कृष्णा राजपूत, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है और जिन्होंने लाइक किया है। दोस्तों, मैं आगे की अपनी जो बात है वो ये पार्ट फोर में कहने जा रही हूँ। मेरे जो हस्बैंड थे उनके जो भाई छोटे वाले थे वो जो रहते थे पाली डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ से आते हैं और आकर के कहते हैं कि मुझे एक मकान बनाना है, अपना मकान बनाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कच्चे घर हैं, तो मुझे अपना मकान बनाना है और अपने सिर्फ अपने पैसों से। और वही बातें शुरू हुई थी। तो उसके बाद में उन्होंने सभी राजी थे कि ठीक है आप कर लो। उन्होंने 3 हिस्सों में ज़मीन को, घर को जो बंटवारे में किया और ज़मीन बट के और जो है छोटे वाले भाई साहब जो है अपना घर बनाने लग गए। बनाने लगे तो मेरे हस्बैंड ने भी अपनी साइड में एक खड्डा खोदा। तो वो पता नहीं कि इस बाबा या तांत्रिक के चक्कर में पड़ गए और जैसे ज़मीन से धन वन निकलता है उस सब की वजह से। तो भाई साहब जो घर बना ही रहे थे उनका घर बन गया और ऐसे दीवारें वो हो गई। बाद में बोले कि अभी मैं थोड़े दिन बाद आऊँगा और पट्टियाँ डालूंगा उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर लेंटर नहीं डालते, पट्टियाँ डालते हैं। तो उसकी वजह से भाई साहब तो चले गए। अब घर में सिर्फ मेरी सास रह गए और मैं रह गई और मेरे हस्बैंड, और जो मेरे बीच वाले देवर हैं वो तो देवली रहते थे। तो उसके बाद मेरे जो हस्बैंड थे वो एक दिन किसी बाबा को लाए, तांत्रिक को, पूजा पाठ कराने लगे। जो उन्होंने खड्डा खोदा था उसमें उन्होंने वो खड्डा खोद के वो उनको दिखाया, वो सब हो गया और वो चले गए उस दिन। तो और दूसरे दिन फिर तांत्रिक आए तो वो एक बकरे का छोटा बच्चा और कुछ पूजा पाठ का सामान वो सब लेकर उस खड्डे के अंदर रात को, आधी रात को बैठ गए। और उसी में मुझे बोले मेरे हस्बैंड कि हमें पूजन करना है और मैं भी यहाँ पर जो है घर बनाऊंगा। लेकिन घर बनाने के लिए 13-14 फुट नीचे खड्डा नहीं खोदता, लेकिन वो उन्होंने ऐसा किया, सारी मिट्टी जो थी वो खड्डा खोदते हुए मेरे ही सर से वो परातियाँ भर भर के और ऊपर डलवाई कि हमारे हिस्से में भरत हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा घर, ऐसे करके। उसके बाद वो आधी रात को पूजन शुरू हुआ और उन्होंने वो जो बकरे के पूजन वूजन शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा पूजन कर रहे हैं जो आधी रात को पूजन कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने, कि तुम अपने जो माँ बाप के, पहले तांत्रिक ने उनसे कुछ कहा तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि तुम जो है अपने माँ बाप के पहले संतान हो ना। तो मैंने कहा नहीं, कि ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई। मैंने कहा ऐसी तो कोई वजह नहीं आई मुझ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमसे पहले कितने बहन भाई थे। तो मैंने बताया कि हाँ हम इतने बहन भाई थे, मगर इस वक्त पे हम 3 भाई बहन थे और दो, आपके हमारी शादी से 1.5-2 महीने पहले ही मेरा एक भाई एक्सपायर हुआ बिजली के करंट से, और मैं जो है 6 नंबर पे हूँ मेरे माँ बाप के, मैं पहली संतान नहीं हूँ। और उस वक्त मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड एक धन जो घड़ा जमीन से निकलता है उसकी वजह से वो खड्डा खुदा था, और धन निकालने की वजह वो मेरे को बदले में उस बकरे की और मेरी बलि देना चाह रहे थे, बलि देना चाहते थे। और उसी टाइम पर ना जाने हमारी जो सासू माँ थी वो वॉशरूम की वजह से बाहर आ गई अपने रूम से। उन्होंने देखा कि ये जो थोड़ा दीवा जल के थोड़ा रोशनी कैसी हो रही है और क्या हो रहा है। उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक उसमें पूजन वूजन कर रहा है और मुझे बिठा रखा है, बकरी का बच्चा है और वो सब। वो अपने बेटे की हरकतों को भाप गए, समझ गई वो। उन्होंने आके बहुत बोला और उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, और ऐसे ये तो मेरे को बोला मम्मी ने कि बिन्नी चलो यहाँ से उठो, ये तुम्हें क्यों बैठा है। तो मेरे जो हस्बैंड है वो एकदम मम्मी पर भी बहुत गुस्सा गए और मुझे भी, मतलब हम लोगों के साथ मार पिटाई शुरू कर दिया।
मार पिटाई शुरू कर दिया। लेकिन जब वो जो तांत्रिक था उसने कहा कि नहीं, हमारा पूजा खंडित हो गया और हम अब नहीं कर सकते हैं और ये पूजा खंडित हो गई और मैं जा रहा हूँ। तांत्रिक वहां से चला गया और वो सब ऐसे रहा। लेकिन उसके बाद बहुत ही दुख भरी एक बात है, उस दिन के बाद मम्मी जी जो थी, मेरी सासू माँ थी, उनका दिमाग संतुलन खराब हो गया और वो धीरे 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 ऐसे हालातों में चली गई कि जैसे एक इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी परेशान हो गई कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई और पागलों जैसा वो बिहेव करने लगी हैं। क्योंकि जो हमारी सासू माँ थी वो जैसे चूल्हे पे, हम मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो आग को बाहर फेंक देती थी और बर्तन फैला देते थे और पूरे मटके तोड़ने देना, किसी भी बच्चे को मतलब ऐसे हाथ उठा देना, वो जबकि उनकी आदत नहीं थी लेकिन ऐसा करने लगे। और फिर हमने कुछ जगहों पे भी दिखाने लगे कि मम्मी को जो भी हुआ, और मेरे देवर जो थे वो भी आ गए थे वापस छोटे वाले, और उन्होंने और मतलब मैंने और हमने मिलकर बहुत मम्मी जी को वो किया। रात रात भर हम बैठे रहते थे, जागते रहते थे, मम्मी जी सोते नहीं थे, कई कई दिन तक नहीं सोते थे। और वो कोई उनको ज़्यादा तो देखने वाला नहीं था उस टाइम पर, उस टाइम पर सिर्फ छोटे वाले जो थे मेरे देवर वो और मैं ही दोनों संभालते थे, क्योंकि मैं ही गांव में थी और मेरे देवरानी जो थे वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर थे, और हमारी ननंद की तो शादी हो ही चुकी जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को बलि देने की कोशिश की वहाँ पर, अगर मैं पहली संतान होती मेरे माँ बाप की तो उस धन के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने मेरी बलि दे दी होती, लेकिन मैं पहली संतान नहीं थी इस वजह से, और जो मतलब वो टल गई बात, वरना तो उस दिन जो भी हुआ मैंने आपको बताया कि जो भी मेरे साथ में बीतता था और हमारी मम्मी जी को जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी उसकी वजह से। मम्मी जी को करीबन एक साल तक काफ़ी बीमार रहीं वे, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी मेंटली प्रॉब्लम से वो सफ़र किया उन्होंने। इसी तरीके से ये सफ़र हुआ। और फिर उसके बाद में हमारे पास जो पैसा था, खेती से भी कोई आमदनी खास नहीं हुई थी, और लेकिन मेरे हस्बैंड के पूरे दिमाग में था जब मौका मिलेगा मैं फिर से कोई किसी को ऐसा रखूंगा जो पहली संतान होगा, और मैं इस ज़मीन में जो धन गड़ा हुआ धन है इसको निकालूंगा, और उनके दिमाग में था। और एक बार फिर हम वहाँ से उसके बाद में जब मम्मी जी ठीक हो गए तो हम लोग रिवाड़ी आ गए थे। रिवाड़ी आ गए और हमने फिर रूम लिया जैसे रेंट पर उस बार, और रूम पर जाने का फैसला लिया अपने घर की बजाय रहने का, तो वहाँ पर रहने का। और आगे मेरी बाड़ी में क्या क्या हुआ मेरे साथ में वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी सारी बातें, क्योंकि वीडियो लंबी होने से वही मुझे भी महसूस होता है कि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, मगर आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत ज़्यादा।